गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं मंतोष चक्रवर्ती और मैं हूं फिलहाल अभी अपने ऑफिस में, और पैकिंग वाला काम जो है मेरा आज ख़त्म हो गया। मंगलवार का दिन है आज, ठीक है, ट्यूसडे है और पैकिंग का मैंने सारा ख़त्म हो गया। ये है मीशो का, ये है फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का अभी रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें करना है बहुत सारी लिस्टिंग, और लिस्टिंग करूँगा तभी ऑर्डर आएंगे। लिस्टिंग कर नहीं पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा। फिलहाल एक काम मेरा ख़त्म हो चुका है पैकिंग वाला, और सेकंड काम यार मुझे ये जो है ना, ये रिटर्न इनको ठीक करना है, मैं इसको कर ही नहीं पा रहा। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि इनको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इनकी सेपरेट वीडियो बना के मैं अनबॉक्सिंग करनी है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है जिस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मेरा ये पैकिंग मटेरियल ख़त्म होने वाला है, सिर्फ गिन चुन के 10 से 15 पीस बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर और है तो वो एक दूसरे की हेल्प करते रहे, तो वही आ गए थे लेने के लिए, तो मुझे देना पड़ा, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ इतने बचे हुए हैं, ठीक है। अभी मुझे ये भी शायद लेने जाना पड़ेगा ताकि कल दिक्कत ना हो। फ्लिपकार्ट का मैं ऐसे पैक करता हूँ ना, फ्लिपकार्ट का टेप लगा देता हूँ सिर्फ, और पैकिंग वाले सिंपल ही लगता हूँ, थोड़ा कॉस्टली थोड़ा सस्ता पड़ जाता है मुझे, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अब ऐसे भी होकर 3-3 टेप रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम मेरा ख़त्म हो गया, सेकेंड काम करना है मुझे वीडियो अपलोडिंग, 4-5 वीडियो है, सबको अपलोड मारते हैं, और वो काम ख़त्म होने के बाद शायद दोपहर के टाइम में जाऊँ शायद ये लेने के लिए। पास में ही है, सदर बाज़ार नहीं जाना पड़ता मुझे, पहले मैं सदर बाज़ार जाता था हमेशा पन्ने लेने के लिए, जिसमें मेरा डेली का 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट होता था, लेकिन अब पास में मुझे जगह पता चल गई, वहाँ से कम आधे से 1 घंटे मेरा काम हो जाता है, और ज़्यादा भारी भी नहीं होता, थोड़ा बहुत लाना होता है बस। जैसे कि ये है 5 किलो लेके आऊँगा, मीशो के तो पन्नी है मेरे पास, दो ईयरे और एक ईयरा, ठीक है, ये तो है। फ्लिपकार्ट का इतना से ले आऊँगा, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा, और प्रिंटर का इंक भी है मेरे पास, और पेपर तो है ही, तो सारा स्टॉक हो जाएगा, इसको लाऊँगा तो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, ऐसे ना बर्डन नहीं पड़ेगा, एकदम से सारा ख़त्म हो जाता है ना, तो सब स्टॉक दे रखे, बस पन्नी और लेके आ जाओ। देखता हूँ आज दीदी से बात करके, देखता हूँ आज ही जाना है या फिर कल जाना है, जैसा भी रहेगा, क्योंकि मंगलवार है, 2 तारीख को सेल आ रही है, सेल में क्या पता ऑर्डर बढ़ जाए, ठीक है। और अभी सुबह के तो बज रहे हैं, सर लाइट जा चुकी है क्या? नहीं, लाइट आ रही है, अभी टाइम हो रहा है 12:01, लेकिन ये 1 घंटे आगे है, तो अभी 11:01 हो रहा है, इसका टाइम ठीक कर देता हूँ मैं। लो भाई, ये डन हो चुका है मेरा, ठीक है, अभी 1:30 बज रहा है और सारा माल जा चुका है, मीशो के सारे चले गए, फ्लिपकार्ट का तो टाइमिंग चेंज है ना, फ्लिपकार्ट का पिकअप 4 बजे होता है, ये मीशो का जितना था सारा जा चुका है, ये कुछ रिटर्न आया हुआ है इकट्ठा हो गया, आज मैं इनका ज़रूर काम कर दूंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा मैं। और तो हाँ, फाइनली मीशो का जिसका मैं वेट कर रहा था ना, वो काम ख़त्म हो गया, और अभी 1:30 बज रहा है, ये इसका पिकअप लेने के 4 बजे आएंगे, 4 से 6 की टाइमिंग है ना इनकी, टाइमिंग के हिसाब से होता है फ्लिपकार्ट में। तो अब और वीडियो अपलोडिंग वाला काम था, वो भी मैंने कर दिया, सारे वीडियो अपलोड कर दिए, बस अब बेबस 2 काम रह चुके हैं, एक तो ये जितने भी रिटर्न है ना, काफ़ी सारे 20-25 हो गए हैं यहाँ पे, कुरियर भी है, कस्टमर है, सारे मिक्स है, ठीक है, तो इनको सारा अनबॉक्स करके चेक करना है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। एक ये काम है, सेकंड काम है मुझे अभी एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो एक सेकंड काम ये है, थर्ड वीडियो ये है, थर्ड काम ये है, मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, तो जो महाभारत की सीरीज है, जो महाभारत है इसके नीचे, ठीक है, तो मैं एक साथ ही 3-4 वीडियो एक साथ ही एडिट करता हूँ, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी तो मेरा शेड्यूल पे लगा हुआ है सारा, कल के लिए भी वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, शेड्यूल पे लगा दिया है, अब परसों के लिए मुझे सेट करना है, उसका काम है ना, 3 काम ये होगा, ठीक है, थर्ड वाला जो है ऑप्शनल है, करना चाहूँगा, टाइम मिला तो करूँगा, नहीं मिला तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये काम और एक वीडियो की स्क्रिप्ट लेना, ये दोनों काम ज़रूरी है और आज ही अपलोड करना है। फिलहाल अभी जा रहा हूँ घर पे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दीदी आने वाली है, लेकिन दीदी आती क्यों है, मीशो का तो जा चुका है सारा, इन्हीं के लिए आती है, क्योंकि मीशो वाला की टाइमिंग कोई फिक्स नहीं, कभी भी आ जाता है, तो अभी तो मीशो चला गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि कब आएगा कब नहीं, बस फ्लिपकार्ट है उसकी टाइमिंग पता है 4 से 6 नहीं है। फिलहाल ये वाला भी काम कर दिया मैंने बोला था हाथ ज़रूर करूँगा 100%, मंगलवार का दिन था, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया, ये तो किसी और का रिटर्न है, तो कल चलाएगा, डेली चल जाता है, तो जितने भी रिटर्न थे ना मैंने सारे इसमें रख दिए, अब इसको घर जाकर हम चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या कमी है, फाड़ना मेन था। और हाँ, ये फाड़ते लाइट ऑन कर देता हूँ, ये फाड़ते एक रिटर्न ये भी आ गया, इसके अंदर है कुछ और, ठीक है, अब मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं करा, मैंने जो वीडियो में दिखाऊंगा और तुरंत अनबॉक्सिंग करूंगा, तो बस फाड़ रखा है अंदर कैसा है वो मैं देख रही हूँ, ये कपड़ा है, कुछ डिफरेंट कपड़ा है,
प्लानिंग वाला अभी चेक करेंगे। फिलहाल ये काम हो गया है, कुछ ये रिटर्न निकले हैं, बाकी सारी पन्नी मैंने इसके अंदर रख दिया। वेस्ट अब मैं बिल्कुल नहीं फेंकता हूँ, सारा इसी में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और ये कुछ कुरियर रिटर्न है, एक्चुअली मेरे पास पन्नी ख़त्म हो रही ये वाली, ठीक है, तो इसलिए मैंने कुरियर वाले जितने हैं ना इनको फाड़ा नहीं है। ये क्या करूँगा, मैं इनको दोबारा रीयूज़ कर लूँगा, इसी के ऊपर लेबल लगा दूँगा तो दोबारा यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा कल काम जो है ना खत्म हो जाएगा थोड़ा बहुत। जितने भी कुरियर रिटर्न है ये 10-12 होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 पन्नी तो मान लो मेरा काम हो गया, बाकी थोड़ी बहुत यहाँ है। कल जाऊँगा लेने के लिए कुरियर, और इससे ये जो कुरियर है इनका दोबारा यूज़ हो जाएगा, तो ये अच्छा हो गया। बाकी मैंने सारा इसके अंदर रख लिया, ये घर जाके चेक करेंगे कि क्या कमी है क्या करके। बाकी ये 3 कस्टमर रिटर्न थे, इनको मैंने फाड़ लिया है, इनका क्लेम लेना बाकी है मुझे, ठीक है, इसको भी यहीं रख देता हूँ। तो अब साफ़ हो गया। और एक ये रिटर्न था, ये तो कार कवर है, इसकी तो पूरी वीडियो बनानी है मुझे। बस डन हो चुका है सारा, ये जा चुका है सिस्टम का, जो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी वो काम ख़त्म हो चुका है, और सबसे मेन काम था ये वाला काम भी ख़त्म हो गया। अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर धूप ही है अभी, अच्छा खासा रोशनी है, गर्मी का टाइम आ चुका है ना, इसलिए ऐसे रहता है। अब थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखता हूँ क्या है इसके अंदर। तो अब चेक करते हैं कि आखिर आया क्या है इसके अंदर, वैसे मुझे भी नहीं पता क्या है ये कपड़ा, कुछ शाइनिंग सा है, शाइनिंग दिख रहा नहीं, ठीक है। इतना तो पता है कि ये लेडीज़ ही कुछ होगा ये, ठीक है, कुछ तो लेडीज़ है। ये तो अच्छा खासा फ्रॉक टाइप का लग रहा है, ओके फ्रॉक है, साइज फ्रॉक है, मैं खोल के दिखाता हूँ अच्छे से, है ना। तो ये कुछ है, हाँ अब ठीक है, तो ये है फ्रॉग ही क्या है, हाँ फ्रॉग ये है। तो ये है बड़ा सा, ये चेक करो, ये बड़ा सा है, कितना बड़ा फ्रॉग है, दूर जाता है, इतना बड़ा फ्रॉग है ये, ठीक है। अब ये लगता कैसे साइज, ये पहनना तो आता नहीं सर, नाड़ा वाला होगा ये, ऐसे होगा या फिर हाँ ऐसे होगा, ये हो गया सिलाई, डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा है मुझे, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है इसका, फूल मतलब थोड़े वैसे वाले हैं, नेट लगा रखा है, फिर नेट लगा रखा है, फिर नेट लगा रखा है, तो ये कमर तो काफ़ी बड़ी है, फिटिंग करानी पड़ेगी। नया है, इतना तो पता चल गया कि नया है ये, इतना साइज़ है, ठीक है। अब जैसे फिटिंग जितना हो, फिटिंग आई थिंक सो इतना तो होगा ही कमर, इतना फिटिंग हो जाएगा, उस फिटिंग करने के बाद कैसा लगेगा ये, तो कुछ इस प्रकार लगेगा ऐसे। तो ये है फ्रॉक आया है ब्लू कलर में, काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में तो, ठीक है। ये जस्ट अभी रिसीव करा, और अभी नहीं रिसीव करा, ये तो आया हुआ था रिटर्न, काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा था, वो तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करी है, जितने रिटर्न थे सारे देखे चेक करे, तब जाके पता चला कि हाँ ऐसा कुछ रिटर्न आ रखा है, फ्रॉक है। देखता हूँ दीदी को पसंद आता, दीदी को चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, पसंद आएगा नहीं आएगा, शायद दीदी पहनती नहीं है ऐसी चीज़ें। मैं पहुंच गया हूं घर, और काफ़ी दिन बाद अपने छत पे हूं घर के, और आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने घर का न्यू मेंबर से, ठीक है, बहुत मस्त है, तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूं और दिखाता हूं। तो ये रहा न्यू मेंबर घर का, बहुत शैतान है। इसका फेस देखो कितना प्यारा है। तो ये लेके आए, ये कोई ब्रीड व्रीड का नहीं, ये अडॉप्ट करा है, ठीक है, अपनी गली का ही है, आसपास का ही, और ये पूरा खेलने के मूड में है, पूरा फुल शांत भी रहता है और खेलने के मूड में भी रहता है, अभी इतना छोटा सा है, ये चेक कर सकते हैं ये। पहले इससे इंट्रोड्यूस करा, इसका नाम अभी सोचा नहीं, बस तेरा नाम क्या है, ये है इसका फेस, ये रहा इसका नाम क्या रखा जाए, देखने में बहुत प्यारा है, खेलता मस्त है ये। तो ये है अपने घर का न्यू मेंबर, ये चेक कर सकते हो, ये बस ये काट लेगा, ये काट लिया। अब ये सब आधे देश को सिखानी पड़ेंगी क्या क्या चीज़ काटना है और क्या चीज़ नहीं काटना है, ये देखो ये दे।
तो ये था न्यू मेंबर घर का, अब सदस्य बन गया घर का। ये काटेगा, ये काटता है, अब इसको सुई लगवानी है ज़रूर। और डॉग रखने के लिए ना परमिशन भी लेनी पड़ती है, कोई ऐसी मैंने सुना था बस, परमिशन और सर्टिफिकेट कुछ बनवाना पड़ता है तभी आप रख सकते हो डॉग को घर पे। ठीक है, तो ये है न्यू मेंबर अपने घर का, बहुत शैतान है वैसे, और अभी से बड़ों कुत्तों पे भौंकता है। तो आज से डेली ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा, ये अपनी करतूतें करता रहेगा। बस इसको खेलने वाला चाहिए कोई, मैं जस्ट अभी घर पहुँचा और मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। बस कर बस कर, ये भोगना स्टार्ट, ये बोल रहा खेलो मेरे साथ, आजा। आजा 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 आजा।